वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 10th of November, धनतेरस का दिन। हैप्पी धनतेरस टू एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग। और आज मैं जा रही हूँ अपने 4 दिन के पैटर्न से वापस घर। अभी मेरी फ्लाइट है तो मैं रेडी हो गई हूँ हमारे फ्लाइट के लिए। एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रही हूँ तो अभी शाम हो जाएगी मुझे घर पहुँचते पहुँचते, तो हार्डली एनी थिंग वुड बी देयर कि मैं कुछ सेलिब्रेट कर पाऊँ धनतेरस। यूजुअली मैं धनतेरस वाले दिन खाली रंगोली वगैरह बना देती थी, बट मुझे नहीं लगता उतना टाइम भी मिलेगा। देखते हैं मेरा पूरा दिवाली का टाइम कैसा जाता है। मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी। ये व्लॉग बेसिकली धनतेरस से लेके दिवाली तक की व्लॉग रहेगी। और सो देखते रहिए कि ये व्लॉग कैसा जाता है। और चलिए शुरू करते हैं 4 दिन का ये सुंदर सा फेस्टिवल। और ये है हमारे लेवर होटल के नीचे, लॉबी एरिया, जहाँ पे सब डेकोरेट किया हुआ था। प्यारी प्यारी रंगोली बनाई जा रही थी और अच्छा लग रहा था। बाय द वे, जिसने ये रंगोली बनाई वो एक मेल थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई है, मेरी कलीग लूमी। और ये रहा प्यारा सा अहमदाबाद शहर। 4 दिन का पैटर्न था मेरा। मैं पहले मुंबई से अहमदाबाद गई, फिर अहमदाबाद से लंदन गई, फिर गैटविक से अहमदाबाद आई और अहमदाबाद से अब मुंबई जा रही थी। धनतेरस का दिन था, पर खुश थी कि एटलीस्ट चलो दिवाली सेलिब्रेट करने तो मिलेगी। और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि बहुत ही प्यारा, एक तरफ इतना प्यारा ये सनसेट हो रहा था और दूसरी तरफ टर्बुलेंस देखिए। जब हम ये क्लाउड्स के अंदर से जाते हैं, अभी तो लाइटनिंग है इसलिए एरोप्लेन्स या प्लेन्स या कैप्टन्स अवॉइड करते हैं उसके अंदर से जाना, बट अगर लाइटनिंग नहीं हो रही होती और क्लाउड के अंदर से जाते हैं तब जाके टर्बुलेंस होता है। तो बाजू में इतना प्यारा चल रहा था, जब भी मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी तो इतना लाइटनिंग नहीं हो रही थी, जैसे ही हटा रही थी लाइटनिंग हो रही थी, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए दिखा रख लूँ। फिर ये रहा मेरा प्यारा, मेरी जान, मेरी मुंबई। और ये जुहू चौपाटी का एरियल व्यू है। हम लैंड कर रहे थे जुहू के ऊपर से अंधेरी एयरपोर्ट टर्मिनल 2, तो मैंने सोचा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेते क्योंकि बहुत ही प्यारी लैंडिंग थी और बहुत अच्छा सीनरी था। सो हैप्पी दिवाली गाइस, आज है 12 तारीख और मैं ये व्लॉग अपने लेवर व्लॉग के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ दिवाली का रंगोली बनाने के लिए क्योंकि मुझे बीच में टाइम नहीं मिला, मम्मी की शॉपिंग और सारा कुछ पेंडिंग था। तो अभी मम्मी नीचे गई है कुछ दिवाली की स्वीट्स और प्रसाद में जो चढ़ाना है वो लेने के लिए, और ईशु जा रही है पूजा की तैयारी करने के लिए क्योंकि अभी भी मैं अपने पीरियड्स के 6th डे पे हूँ, तो पूजा की तैयारी में हेल्प नहीं कर सकती, बट बाकी जो एक्स्ट्राज है मैं वो कर रही हूँ। तो चलो जाते हैं रंगोली बनाते हैं। तो फन फैक्ट, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मॉम मुझे रंगोली कभी नहीं बना देती थी क्योंकि ऑफ़ कोर्स छोटे होते हैं तो मैं बिगाड़ दूंगी या मैं मुझे आएगा नहीं बनाने क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो मुझे सीखना था। बट समहाउ कैसे ज़िद करके मैं उनसे कलर्स लेती थी और कुछ भी बनाती रहती थी। अब बड़ी हो गई हूँ तो मेरी मॉम मुझसे ज़िद करती कि नहीं रंगोली बना जा बैठ, तो ये मैं रंगोली बना रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बता दूँ प्रोसेस का। तो ये है, अभी इनकम्प्लीट है, आगे आप देखना जब पूरी बन गई होगी। और मुझे प्लीज़ बताना कि मेरी रंगोली कैसी बनी है और आप लोगों को पसंद आई या नहीं, क्योंकि जिसने भी देखा सबको काफ़ी पसंद आई। तो आपने देखा मैंने रंगोली बना ली और उसके बाद मैंने, हाँ तो जैसे आपने देखा मैंने पहले अपनी रंगोली ख़त्म की, फिर सामने वाली आंटी को हेल्प चाहिए थी तो मैंने कलर डालने में उनकी हेल्प की, और अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने। और एक तरफ आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, मीठा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्वीट्स घर पे आए हुए हैं, तो फिर मम्मी ने कहा स्वीट इस बार मीठा रहने देते हैं, तो फटाफट थोड़ी सी पूड़ी बनाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा पूड़ी नहीं खाते, मम्मी को ही पसंद है। और ईशु मेरे लिए राइस बनेगा, तो चलो शुरू करते हैं खाना बनाना। तो मेरी पूड़ी बन गई है, मेरी मतलब मैंने पूड़ी बना ली है और चावल भी बना लिया है। यहाँ पे आलू टमाटर का मसाला रेडी हो रहा है और इसके अंदर सूरन है। हमारे में सूरन की सब्जी भले ही थोड़ी सी बनाओ पर बनानी होती है, उससे वो शुभ होता है ऐसा मम्मी कहती है। तो
तो ऑलमोस्ट सब हो गया, ऐसे मैं बेहाल हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसे लग भी रहा है दिवाली है, बट जब रेडी होंगे पूजा करेंगे तो ऑफकोर्स फील थोड़ा सा आएगा ही। बाकी दिए भी हमने लगा दिए हर जगह, हर घर में, हर आई मीन हर रूम में और बाहर बाहर, रंगोली आपने देख ली है, आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको और ज़्यादा कि हमने कैसे सेलिब्रेट करी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और बाहर मम्मी पूजा की तैयारी कर चुकी है, अंकित भी आ गया है और सब कोई रेडी है। जो भी देख लो, मैं आउटफिट पूरा मेरा इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी। और बाबू भी, बाबू हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली गाइस, और मेरे बर्थडे पे मुझे जिस जिसने भी विश किया था उसके लिए थैंक यू, टाइम नहीं मिला था मतलब, थैंक यू। कैसा लगा रंगोली? मैं कैसा लगा रंगोली बताओ, कैसा लगा? हाँ अच्छी है। तो नहीं चलेगा। प्रिपेयर होने के बाद भी पता नहीं हमारे घर में कैसे हमेशा लेट हो जाता है, मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी अभी टाइम मैनेजमेंट मेरे से सीखो, मैं अपने घर का करके यहाँ भी आ गया। ओके वेरी गुड। वो आपने नहीं टाइम मैनेज किया, आपकी मम्मी ने किया। तो अभी मम्मी बस आरती करने ही वाले हैं हम, और फिर आरती करके हम जाएंगे। तो ये मेरे इन लॉज की तरफ से आया है, मम्मी ने मिलाया। मैं जाऊंगी, मतलब मैं घर नहीं जा सकती, पर मैं बिल्डिंग के नीचे ही मुस्कान से भी मिलूंगी और उसके हाथ में दूंगी। अभी आरती लग रही है, फिर आरती करेंगे। फाइनली नीचे उतर गए हैं। मेरी ऑडियंस को हैप्पी दिवाली नहीं बोला, हैप्पी दिवाली। और ये यहाँ पे लग गए थोड़ा फ़ोटो शूट करने में, मतलब भाई भाभी के घर का वीडियो है, ये क्लिप है। तो भाई भाभी अपने दिवाली पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बस फिर हमने ऐसे ही वीडियो लिया और कुछ खाया पिया, आगे देखना हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक की। ये मेरी सिंगल फ़ोटो, और ये ना एक्चुअली सबके साथ थी, बट भाभी के साथ सिंगल नहीं थी तो मैंने क्रॉप कर ली। ये रही एक्चुअल फ़ोटो जो सबके साथ है, और ये मेरी सिंगल पिक्चर। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई व्लॉग्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू गाइज भाई और भाभी। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली गाइस। अब जैसे दिवाली है, घर में सभी को पैसे मिलते हैं, रूहान को भी पैसे मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं, मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना। मुझे रूहान चाची का शाना बंद दिख रहा है, कैमरा ऑन करके दिवाली नहीं मिली, मुझे निकालो जेब में आखिरी 500 थे वो भी। चलो गाइस 500 ही सही। ये इससे मांग रही थी, हमसे मांग रही थी, ये मेरे से मांग रही है। अच्छा, अरे कम दिए और नहीं, मैं आप लोगों से ईदी मांगूंगी भर के। और मांगो नहीं, कम है तो निकालो, और निकालो भाई। जीपे कर देना, आई एक्सेप्ट जीपे आल्सो। हां तो अभी करवा, हमारे हम सबकी नजरों के सामने करवा। हां हां, हमारे सामने करो जीपे। चलो ये बहुत चंडे अभी कर देगा, फिर बोलेगा चलो वापस कर दो, वापस जीपे कर दो। अभी से ऐसा कभी नहीं बोला मैंने, पहले मेरे करने थे। मैं भाई, भाई भाभी से हम मिल रहे हैं, हम उनसे जा रहे हैं मुस्कान से मिलने। आप कुछ कहना है? Yes, मुस्कान is here. Hi, happy Diwali everyone. कितनी प्यारी लग रही है ना, ये ही पता नहीं कैसे घर में ऐसा है। बाकी पूरी गिरी, मैंने बोला ये बंद करने बाकी। चलता रे भाई, ये इतना हम ना लगते है ना शक्ल से देखते, भाभी ननन वाली फीलिंग भी आती है, अच्छी बहनों वाली फीलिंग आती है। किससे मिलने? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस। कोई बैचलर लड़कियां हो जो बहुत सुशील सुंदर हो तो प्लीज कांटेक्ट अभिषेक 836 97।
पर जा रहे हो भाभी के पास? ठीक है, मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्यों करते ऐसे? अभी मैं अपने घर के बिल्डिंग के नीचे हूँ और हम बस थोड़े से ऐसे चुटपुट वाले पटाखे जला रहे हैं और फेवरेट सॉन्ग है और लोग आएंगे। तो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ और बस अभी ईशू को देखी। ईशू ने रेडीमेड साड़ी पहन की जो होती है वो पहनी है, मैंने तो सूट पहना है। और बस ये रहा दिवाली ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो आपको पता है ऑलरेडी। और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। बाय, लव यू, बाय। तो तेरा वो बोला क्या क्या बोल रही है? वो रॉकी सुपरस्टार था ना, वो कौन है? एक बहुत मीम शक्ल।